आज हम एक ऐसी पोएम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है सीता और जिसे लिखा है तौर दत्त ने जो कि एक वंडरफुल फीमेल राइटर है तो ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे कमरे से जहां पर एक माँ अपने तीन बच्चों को कहानी सुनाती है सीता की सीता की और उसकी परेशानी की कि किस तरह उसे एक घने जंगल में रखा गया अपने पति से दूर और सीता की, की कहानी सुनते हुए बच्चे बहुत गमगीन हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं फिर उनकी माँ उन्हें कंसोल करती है जब सीता की कहानी सुनते सुनते बच्चे रोने लगते हैं तो माँ उन्हें गले से लगाती है और उन बच्चों को कंसोल करती है और फिर उन्हें सुला देती है क्योंकि इस कहानी का बहुत गहरा असर हुआ था बच्चों के ऊपर और ये जो कहानी है वो पोएम और पोइट की लाइफ को रिजेंबल करती है कि जो पोइट है तौर दत्त उन्हें सीता का कैरेक्टर बहुत पसंद था रामायण नसी जो पोएम सीता है वो ट्वेंटी टू लाइन्स की एक पोएम है जो कि एक माँ जब अपने बच्चों को सुला रही होती है अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती है क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा खो जाते हैं उस कहानी में कि वो सीता का दर्द महसूस करने लगते हैं उसकी परेशानियों को बहुत गहरे उससे महसूस करते हैं और वो रो देते हैं पोएम की शुरुआत में कुछ ऐसे घने जंगल का जिक्र किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत है सीता को अपने पति से अलग कर दिया गया और उसे वाल्मीकि नाम के जंगल में आसरा लेना पड़ा इस पोएम में और पोएट की लाइफ में कुछ रिजेम्बलेंस है कुछ तो सेम है क्योंकि तौरुदद दत्त जो है वो सीता के कैरेक्टर को बहुत ही टचिंग और लविंग कैरेक्टर समझते हैं और जो तीन बच्चे हैं वो तौरु है उनके भाई अब्जू और उनकी बहन आरू है और और तौरुदद दत्त को ये जो इंडियन माइथलॉजी में इंटरेस्ट आया है उनकी माँ की वजह से वैसे तो पोएम की शुरुआत में बच्चे बहुत खुश होते हैं कि अब कहानी सुनने को मिलेगी लेकिन पोएम की एंड तक बच्चे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं पोएम की शुरुआत होती है जब एक अंधेरे कमरे में तीन बच्चे अपनी माँ से कहानी सुनते हैं जिस तरह उन बच्चों की माँ उन बच्चों को कहानी सुनाती है बच्चे अपनी आँखें बड़ी बड़ी खोल लेते हैं वाइड ओपन आइज़ इसका मतलब ये है कि वो जाग रहे हैं तो पोएट ये ख्याल करता है कि ऐसा क्या है जो ये तीन बच्चे सुन रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी के साथ इस पोएम की तीसरी और चौथी लाइन में एक घने जंगल का ज़िक्र है जो कि झाड़ों से भरा हुआ है और ये जंगल इतना घना है कि कोई भी धूप की किरण अंदर नहीं आ सकती तीसरी और चौथी लाइन में ये वर्ड डेंस का इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब ये है कि जंगल कितना ज़्यादा हरा भरा है और जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही साफ़ और क्लियर एरिया है आर द ब्लूम्स इस लाइन का मतलब ये है कि एक सर्टेन एरिया है जंगल में जिसे साफ़ कर दिया गया है अगर इस पोएम की पाँचवीं और छठी लाइन का जिक्र करें तो देर आर ब्लूमिंग फ्लावर्स ऑन क्रीपर्स ट्विनिंग अराउंड टॉल ट्रीज़ कि वहाँ पर बहुत सारे फूल है और क्रीपर्स जो प्लांट होते हैं और लंबे-लंबे झाड़ -लंबे जो होते हैं वो सब है और वहाँ पर एक लेक है जिसमें पानी है और वो पानी बहुत ज़्यादा साफ है तो इन लाइनों में बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत नेचर का ज़िक्र किया गया है और जो स्वैंस हैं वो पानी में तैर रही हैं जंगल में पीकॉक्स भी हैं और हिरन भी हैं जब पोइट इन एनिमल्स का ज़िक्र करता है या उन लोगों के बारे में कहता है तो वो एक बहुत ज़्यादा जानदार जंगल का जिक्र करता है एक ऐसा जंगल जहाँ पर बहुत सारी एनिमल एक्टिविटी होती है और बहुत ज़्यादा लाइफ है और जो प्लांट्स है वो ग्रो हो रहे हैं वो उग रहे हैं ज़मीन पर इसका मतलब ये है कि ये सेटलमेंट को दर्शाता है सेटलमेंट इस पोएम में स्मोक का भी ज़िक्र किया गया है स्मोक जो कि इस बात का अंदेशा है कि सीता ने वलिकी में एक आसरा लिया है जब उसे अपने पति राम से अलग कर दिया गया फॉरेस्ट के बारे में अच्छा एक्सप्लेन करने के बाद पोएट्स जो है वो एक ख़ूबसूरत महिला के बारे में जिक्र करते हैं पोइट्स सोच में है कि कौन है ये गोरी सी महिला जो ठहरी हुई है जो कि दर्द में है जो रो रही है तो जैसे ही बच्चे ये सुनते हैं कि सी जो सीता है वो रो रही है तो बच्चे भी उस दर्द को महसूस करने लगते हैं सीता की इस परेशानी को सुनकर बच्चे रोने लगते हैं तो माँ उन्हें गले से लगाकर उन्हें कंसोल करती है और उन्हें सुला देती है और यहाँ पर ये पोएम एंड होती है तो बेसिकली तोड़ दत्त ने बहुत ही बचपन में ही अपने भाई बहनों को खो दिया था so, so तो ये काफ़ी हद तक इस पोएम से रिलेट कर पाते हैं शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब एंड यू कैन अस नाउ ऑन आपकेडमी वन वन जीरो थैंक यू सो मच